वहीं हरियाणा के फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल विज ने सीएम महोदय पर दावा पेश करते हुए कहीं ना कहीं चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अनिल विज का कहना है कि वो 6 बार के विधायक हैं, सीनियोरिटी के दम पर वो सीएम महोदय का दावा करते हैं। तो अनिल विज ने अब ये दावा किया है सीएम महोदय को लेकर, और उनके इस दावे के बाद सियासी गलियारों में हलचल भी देखने को मिल रही है। सीनियोरिटी के दम पर वो सीएम महोदय का दावा करते हुए यहाँ पर दिखाई दिए हैं, और ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें भी वो बढ़ा सकते हैं। तो हरियाणा के फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल विज ने सीएम महोदय पर दावा पेश किया है, और कहीं ना कहीं चुनाव से पहले बीजेपी की दिक्कतें ये बढ़ा सकता है, क्योंकि अब हरियाणा में चुनाव नज़दीक हैं, और एक बड़े नेता का इस तरह के बयानबाजी करना जाहिर तौर पर बहुत कुछ दिखाता हुआ नजर आता है। और अब अनिल विज का कहना है कि वो 6 बार के विधायक हैं और सीनियोरिटी के दम पर वो सीएम महोदय का दावा कर रहे हैं। अब उनके इस दावे में कितना दम है, क्या उन्हें दावेदारी में रखा जाएगा मुख्यमंत्री की अगर सत्ता में उनकी पार्टी आती है, तो ये भी देखना अहम होगा यहाँ पर। लेकिन जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए मुश्किलें जरूर वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं अपने इस बयान के बाद। मेरे अम्बाला के लोग भी, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीएम क्यों नहीं बने। तो लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियोरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूँगा। सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है या नहीं बनाती, परंतु अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा।